प्रयागराज की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज जहां पर वो हत्या हुई, कुछ लोग पास में भी मौजूद थी, उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनी थी। हम इनसे आखिर जानेंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह का मंजर था भैया। भाई साहब, मैं लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर मैं खड़ा था, यहाँ पर पुलिस वाले पहले आए हैं और पुलिस वालों ने पहले सबको हटाया है और गाड़ी सब हटा के यहाँ से रास्ता साफ किया है। साफ़ करने के बाद जो है दो गाड़ी इधर से आई है और दो गाड़ी उधर से आई, जिससे वो अशरफ और अतीक आए हुए हैं और उसमें से चार लड़के निकले हैं। चार लड़कों को अंदर गेट के अंदर ले गए हैं और वहाँ से जैसे ही अशरफ को गेट से निकाल के और अतीक को अंदर ले गए हैं, वो वैसे ही तड़ा गोली चलने लगी है। चार लड़के पैदल थे वो लोग की? नहीं, गाड़ी से आए थे। गाड़ी से आए थे, शादी वर्दी में मतलब क्या लग रहा है? पुलिस की गाड़ी से उतरे, एक मिनट, पुलिस की गाड़ी से उतरे, आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर के लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया, पुलिस वाले उनको कवर किए हुए हैं। जब धड़ाधड़ गोली, सात राउंड गोली चली है, सात राउंड गोली चलने के बाद जो है, उसके बाद जब अशरफ और वो अतीक गिर गए तो पुलिस वाले भाग गए, जबकि उनको उठाना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। वो जय श्री राम का नारा लगा के मार रहा गोली धड़ाधड़। अब पुलिस, हाँ, जो गोली मार रहे थे, जो पुलिस वालों के साथ उतरे हुए थे, वो जय श्री राम का नारा लगा के गोली मार रहे थे। मतलब ऐसा भी हो गया? हाँ, और पुलिस वाले चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत पोलो दिया। पुलिस ने किया? पुलिस ने किया भी, उसमें पूरी खाली करा रहे थे यहाँ पर, इसलिए अपने किया। ये जो लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, अब इनमें सभी लोगों को उठाया जाएगा। ये बता दो कि पाकिस्तानी है प्रयागराज की जनता को जब डराना चाहती है, प्रयागराज की जनता नहीं। मतलब ये प्री प्लान मर्डर, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मतलब आप समझिए, ये स्थानीय लोग हैं, इनमें ये गुस्सा है, ये कई आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस की पूरी कारस्तानी है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम इंटर हुए थे अतीक और अशरफ को लेकर, लेकिन दो बदमाश पहले से मौजूद थे। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बातें कुछ और है, राज कुछ और है। फिलहाल ये राज क्या है, ये तो अब जाँच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अतीक और अशरफ नाम का एक चैप्टर अब प्रयागराज से समाप्त हो गया है।